नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। SBI में आज से कई बदलाव हो गए हैं। इन बदलावों का असर बैंक के सभी 32 करोड़ खाता धारकों पर पड़ेगा। बैंक की तरफ से किए जाने वाले ये सभी बदलाव आपके काम के हैं, इससे कहीं ना कहीं आपकी जेब को फायदा होगा। SBI की तरफ से आज से सर्विस चार्ज के अलावा मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर लगने वाली पेनाल्टी में भी बदलाव किया जा रहा है। नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू होने के बाद आज यानी 1 अक्टूबर से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का नियम और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी बदल गया है। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से DL और RC दोनों के फॉर्मेट में बदलाव किया गया है। पेट्रोल डीजल के दाम में पिछले दिनों स्थिरता देखे जाने के बाद मंगलवार को लगातार दूसरे दिन तेजी देखी गई। सऊदी अरामको के 2 प्लांट पर पिछले दिनों हुए ड्रोन हमले के बाद एशियाई बाजार के साथ घरेलू बाजार में भी पेट्रोल डीजल के भाव में उठापटक देखी जा रही है। इकोनॉमी के मोर्चे पर लगातार आ रही नेगेटिव खबरों के बीच एक अच्छी खबर आई है। कच्चे तेल की कम कीमतों, सेवा जैसे कारोबार से अधिक आय और विदेश में कार्यरत भारतीयों द्वारा ज्यादा धन भेजे जाने के कारण भारत का 2019-20 की पहली तिमाही में चालू खाते का घाटा घटकर 14 अरब डॉलर हो गया है। संकट में चल रहे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के बारे में नित नए खुलासे हो रहे हैं। अब इसके निलंबित हो चुके पूर्व MD जॉय थॉमस ने बताया है कि बैंक द्वारा दिए गए लोन का करीब 73% हिस्सा सिर्फ एक कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया है, जो कि दिवालिया होने की प्रक्रिया से गुजर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMSTV के साथ। नमस्कार।